नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पटना यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 2022 के बारे में। 22 में आपका एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है, कैसे कैसे होगा, उसका जब आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो उसका सिलेबस आपका क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, आपको कौन सी बुक्स को पढ़नी चाहिए। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता देना चाहता हूँ, अबाउट मी, मेरे बारे में। मैं कृष्णाकांत सिंह, बीएन कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी ज्योग्राफी ऑनर्स। 4 साल जो टीचिंग एक्सपीरियंस है इंट्रेंस एग्जाम का, किसका किसका, पीयू का, बीएचयू का, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इंट्रेंस एग्जाम। आप मेरे साथ यदि जुड़ते हैं तो 200% 200% आपका सिलेक्शन पटना विश्वविद्यालय में हो जाएगा। अब एक बात और हम आप लोगों को क्लियर कर देना चाहते हैं, हम पटना यूनिवर्सिटी का कोर्स लेकर आए हैं जहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं। आवर कोर्सेस, हमारी कोर्सेस क्या है, हमारी कोर्सेस में होंगी Daily 3 लाइव क्लासेस, Daily PDF लाइव क्लासेस जो चलेगी वो चलेगी गूगल मीट पर, टीच मिंट ऐप पर, जूम पर। Daily PDF आपको 3-4 PDF डेली दिया जाएगा, वो आपके BHU अलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए सफिशियंट होगा। टॉपर्स टॉक किया जाएगा, जो पिछली बार हमारे स्टूडेंट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए उनके बारे में बताएंगे। 5000+ क्वेश्चन हम आपको देंगे, मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे पटना यूनिवर्सिटी का, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलता है। परंतु दोस्त, 4 साल से, 4 साल से हजारों लड़कों का एडमिशन करवाने के बाद, उनसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या क्या पूछा जाता है, एक गहन अध्ययन किया, उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपके एग्जाम में। नहीं तो पटना यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ढूंढते रह जाइएगा, सिलेबस ढूंढते रह जाइएगा, आपको पूरे कहीं नहीं, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी अपना क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम के बाद ले लेगी। 24x7 आपको कॉल फैसिलिटी दिया जाएगा, प्रोफेसर का सजेशन दिया जाएगा, 200% सिलेक्शन। अब वीकली हम लोग आपको टेस्ट लेंगे कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। इन सभी का, ये सब जो कोर्स हम आपको देंगे वो पेड हमारा रहेगा, जिसका कीमत आपको, ओनली ओनली 350 अभी के लिए, 350 अभी के लिए रखा गया है फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट। अब इसमें यदि आप लोगों में से कोई एक ये वीडियो को 20 दिन के बाद देख रहा है, 2 महीने के बाद देख रहा है, उस समय आप अगर बोलते हो, पिछली बार भी हम लोग ऐसे ही कोर्स लेकर आए थे कि भाई आप 350 ही बोले, तो यहाँ पर मैं लिख दिया फॉर फर्स्ट 100, यदि फर्स्ट 100 के बाद आते हैं तो आपका ये फी बढ़ जाएगा। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, गूगल पे नंबर इतना हमारा है, फोन पे नंबर ये हमारा है, अकाउंट नंबर हमारा ये है, तो जिनको लेना है वो अभी ले लीजिए। हमारी क्लासेस जो है वो 1 मार्च से शुरू हो जाएगी। व्हाट्सएप नंबर एडमिशन लेने के टाइम में आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो व्हाट्सएप नंबर हमारा, इसको डिलीट कर दिया जाए, व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है 9110-9296-41, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप ले लीजिए जल्द से जल्द, इस कोर्स में आप एडमिशन ले लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस एंड बुक्स के बारे में फॉर एंट्रेंस। सिलेबस एंड बुक्स, ये हमारा सिलेबस, ये हमारा बुक्स। एंट्रेंस के बारे में सिलेबस क्या है, हमें कौन सी किताबें पढ़ने चाहिए, तो सारा का सारा आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले फॉर एडमिशन 2022 पटना यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले BA के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग BSc के बारे में बात करेंगे, और सबसे अंत में हम आपको BCom के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब पटना यूनिवर्सिटी के BA, BSc, BCom के क्या सिलेबस है, सबसे पहले शुरू देखते हैं। सिलेबस ऑफ BA एंट्रेंस, BA एंट्रेंस में आपके क्या सिलेबस है, तो ये आ गया आपका गोल गोल चक्री। पॉलिटी आपके 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 10 से 15 मार्क्स, हिस्ट्री 10 से 15 मार्क्स, ज्योग्राफी 10 से 15 मार्क्स, करेंट अफेयर्स 20 मार्क्स, इकोनॉमिक्स 10 से 10 मार्क्स, बिहार GK 5 मार्क्स, स्टेटिक्स GK आपके पूछे जाएंगे 20 से 30 मार्क्स, इंग्लिश हिंदी 10 मार्क्स,
हिस्ट्री 10 मार्क्स, मैथ रीजनिंग 10 मार्क्स, ये सारे 10-15 मार्क्स के आसपास आपके पूछे जाएंगे बीए एंट्रेंस के लिए। क्या है, सबसे पहले पॉलिटी, फिर आपका हिस्ट्री, फिर आपका ज्योग्राफी, फिर आपका करेंट अफेयर्स, फिर आपका इकोनॉमिक्स, फिर आपका मैथ रीजनिंग, फिर आपका हिस्ट्री, हिंदी इंग्लिश, स्टेटिक जीके एंड बिहार जीके। अब इसके लिए कोई बोलेंगे सर प्रीफ्रेंस बुक है, तो वो भी आपको बता देता हूँ। प्रीफ्रेंस बुक आपका हो जाएगा लुसेंट सामान्य ज्ञान, ये बहुत एक मोटी बुक है, पूरी बुक आपको नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है हम आपको धीरे धीरे बताएंगे, ऐसे कोर्स में हमारी बहुत अच्छे से आपको तैयार की जाएगी, लुसेंट से भी, अदर बुक से भी। नेक्स्ट हमारा सिलेबस ऑफ बीए एंट्रेंस के बारे में देखते हैं। सिलेबस ऑफ बीए एंट्रेंस तो ये आ गया हमारा, जिसमें आपके फिजिक्स 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री आपके 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं, बायो और मैथ आपके 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और जीके आपके 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। प्रिफ्रेंस बुक क्या है, एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी 11th और 12th, ज्यादा 12th पे फोकस करना है, 11th और 12th, 11th और 12th आपको दोनों पढ़ना है, ज्यादा 12th पे फोकस करना है, तो इसका एक ही है एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि बीकॉम एंट्रेंस के बारे में। बीकॉम एंट्रेंस तो बीकॉम में अकाउंट 20 मार्क्स का आपको पूछेगा, इकोनॉमिक्स 20 मार्क्स का पूछेगा, बिजनेस 20 मार्क्स का पूछेगा, और जीके यहाँ से आपको 40 मार्क्स के जीके आपके आते हैं, ये 20 या 60 40 100, तो ये जीके जो आता है वो 40 मार्क्स के आपके आते हैं। इसका जो बुक बोलिएगा कि इसका कौन सा बुक है, तो इसका जो बुक है वो हमारा है कॉमर्स का एनसीईआरटी, एनसीईआरटी 11th 12th, 11th और 12th। यदि आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ते हैं तो आपको हम सब कुछ की अच्छे से तैयारी करवाएंगे, अच्छे से तैयारी हम आपका सारा का सारा करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार।